बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, डियर स्टूडेंट्स और रादर उनके डियर पेरेंट्स भी। आज का टॉपिक स्पेशली मैंने एड्रेस ज़्यादा इसमें पेरेंट्स को कर रहा हूँ, और टॉपिक ये है कि यकीन करें आपका बच्चा भी फर्स्ट आ सकता है। असल में मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं टारगेट बहुत बड़ा बनाता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसूल ये है कि अगर आपने चांद पर जाना है ना, तो सूरज तक पहुंचने का टारगेट रखो, आप आराम से चांद पर पहुंच जाओगे। देखिए, अब इसमें हल क्या है? आप समझते हैं कि आपका बच्चा तो नॉर्मल है, आपका बच्चा तो एवरेज है, आपका बच्चा तो अबव एवरेज है, या वगैरह वगैरह। भाई, फर्स्ट बच्चा क्यों नहीं आता? रीज़न देख लें, उन रीज़न को कवर अप कर लें, बच्चा फर्स्ट आ जाएगा। और अगर फर्स्ट ना भी आया तो आराम से 94% 95% 96% नंबर ले जाएगा। तो पहली बात है कि फर्स्ट क्यों नहीं आता, उसकी ज़रा वजूहत देख ले। और यकीन करें, मैं जब ये वजूहत बताने लगा आप एग्री करेंगे कि वाकई यही वजूहत है। नंबर वन है, बच्चे ने कभी फर्स्ट आने का नहीं सोचा, और आपने भी नहीं सोचा, ना कभी प्लानिंग की, ना कभी स्केड्यूल बनाया, और ना ही ऐसा जज्बा रखा। याद रखें, फर्स्ट आने का कोई ताल्लुक जहानत से नहीं, इसका ताल्लुक है सोच से, इसका ताल्लुक है प्लानिंग से, इसका ताल्लुक है स्मार्ट वर्क से, और इसका ताल्लुक आदत से है। टॉपर बच्चे की आदत और आम बच्चे की आदत में फर्क क्या है? फर्क देख ले, वो फर्क खत्म कर दे, आपका बच्चा टॉप कर जाएगा। अब क्या फर्क है, सुन ले। टॉपर बच्चे में ना फर्स्ट आने का एक नशा होता है, उसको आदत पड़ी होती है, ये फर्स्ट आना टॉप करने एक आदत है, और वो कभी सोच भी नहीं सकता कि मैं कोई सेकंड या थर्ड आऊंगा। और जो आम बच्चा है, उसमें ऐसा कोई नशा नहीं होता, ना ऐसी कोई सोच होती है। वो सोचता है बस इतने मार्क्स आ जाएं कि पेरेंट्स नाराज ना हो, और पेरेंट्स ये सोचते हैं कि इतने मार्क्स आ जाएं कि कम से कम ये अच्छा चलता रहे, 60-70% 75% 80% तक आराम से नंबर आते रहे, वो भी सेटिस्फाई होते हैं। फर्स्ट जो टॉपर बच्चा है ना, वो हमेशा स्टार्ट से ही एक टारगेट फिक्स करता है और टारगेट को परसू करता है, और जो आम बच्चा वो बगैर टारगेट के काम करता है। टॉपर बच्चा, उसकी काउंटिंग ही 90 से स्टार्ट होती है, यानी पहले टेस्ट में सोचते हैं कि मेरे 90 से अबव मार्क्स आएंगे। और जो आम बच्चा ना, उसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, वो सोचता है कि कम से कम 50% जो अगर मार्क्स आ जाए तो इंशाल्लाह पास हो जाऊंगा, और अगर 60% मार्क्स आ जाए तो बेहतर हो जाएगा, चलो मैं ऐसे करता हूँ कि मैं कुछ 70% के अराउंड मार्क्स ले जाऊँ ताकि वालदैन खुश हो जाए। अब उसकी सोच देखे ना कितने डाउन है। टॉपर बच्चे का एक फार्मूला होता है उसके जहन में, उसके लाशोर में, और वो ये होता है कि जी फर्स्ट पोजीशन ओनली, सेकंड पोजीशन अनएक्सेप्टेबल, और थर्ड पोजीशन रबिश, क्योंकि वो थर्ड पोजीशन पे रोने लग जाता है, चीखने लग जाता है, और बाज़ूकात इवन टीचर्स को भी ब्लेम करने लग जाता है कि आपने मुझे मार्क्स नहीं दिए, मुझसे भी आपने बदला लिया। और जो आम बच्चा है, अगर उसके 70-80% मार्क्स आज, अगर 80% मार्क्स आ जाए तो इवन पेरेंट्स भी उसको शाबाश दे रहे होते हैं, शाबाश बेटा। तो देखिए ना, जो आपने उसका जहन बनाया वही होगा। टॉपर बच्चे के नोट्स हमेशा मुकम्मल होते हैं, उसकी नोटबुक्स मुकम्मल होती हैं, उसकी अटेंडेंस मुकम्मल होती है, और आम बच्चा जो है उसके नोट्स कभी मुकम्मल नहीं होंगे, उसकी नोटबुक्स मुकम्मल नहीं होती, इवन उसकी हाजिरी भी मुकम्मल नहीं होती। और यहाँ तक होता है आम बच्चे का कि एग्जाम, कल एग्जाम है, और जनाब एक दिन पहले पेरेंट्स का फ़ोन आ रहा होता है कि सर इसकी तो नोटबुक इनकम्प्लीट है, सर इसके पास तो फलां क्वेश्चन का आंसर ही नहीं दिया हुआ, मैं कैसे तैयारी कराऊं। टॉपर बच्चे में ये इशू नहीं आता। टॉपर बच्चे ने जो अपने आइडियल मार्क्स रखे होते हैं वो 99% रखे होते हैं, आइडियल मार्क्स, कि ये टारगेट है मेरा, मैंने लेना है मिनिमम 90, मैक्सिमम से कर 99% कोशिश करता हूँ। और जो आम बच्चा है उसका कोई आइडियल नहीं होता। टॉपर बच्चा वो कहता है, जानता है कि मार्क्स और ऑलवेज स्नैच, छीने जाते हैं, उसके लिए अपनी हैंड राइटिंग अच्छी करता है, पेपर को अच्छी तरह अटेम्प्ट करता है, और कंप्लीट प्रेपरेशन के साथ एग्जाम में जाता है। और जो आम बच्चा है वो सोचता है कि अल्लाह करे पास हो जाऊं, अल्लाह करे टीचर मुझसे कोई बदला ना ले ले,
और वो ये भी सोचता है कि कुछ चीजें मैं इसलिए छोड़ रहा हूं कि साथ वाले बच्चे से पूछ लूंगा। टॉपर बच्चा सोचता है कि फर्स्ट आना मेरा राइट है, और आम बच्चा सोचता है फर्स्ट पोजिशन औरों के लिए रिजर्व है, मेरे लिए नहीं है। टॉपर बच्चा साल के स्टार्ट पे प्लानिंग करता है, और आम बच्चा सोचता है मैं आखिरी 2 महीने खूब मेहनत करूंगा। अच्छा, टॉपर बच्चे की अटेंडेंस तकरीबन 100% होती है, और जो वीक स्टूडेंट्स हैं, जो एवरेज हैं बच्चे, उन्होंने अक्सर में एक ग्रुप बनाया होता है, समझे निकम्मों का ग्रुप, और बाज़ूकात वो सारे मिलके, फॉर एग्जांपल 5 बच्चों का ग्रुप है ना, तो 5 बच्चे प्लानिंग करते कल हम नहीं आएंगे, और हर बच्चा घर जाके कहता स्कूल में कोई भी नहीं आ रहा, या कल किसी ने भी नहीं आना। अब उससे उसकी वो दुनिया वही 5 बच्चे होते हैं, और अगर वो 35 में से 5 बच्चे नहीं आए तो उसका मतलब पूरी क्लास गोया उसके नज़दीक नहीं आ रही। वो जो 30 बच्चे आ रहे हैं स्कूल में उसका उनको परवाह भी नहीं होती। टॉपर बच्चे का पसंदीदा काम यह होता है कि हर काम स्केड्यूल के मुताबिक, उनके गेम के या वॉक के औकात फिक्स है, नींद भी एंजॉय करते हैं, टीवी वगैरह भी देखते हैं, मोबाइल भी यूज़ करते हैं, लेकिन हर काम स्केड्यूल के अकॉर्डिंग। और जो आम बच्चा है वो दाव लगाता है, जितना ज़्यादा नेट से खेल सके दाव लगाएगा, जितना ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ गपशप लगा सके दाव लगाएगा, जितनी ज़्यादा मैक्सिमम नींद ले सके कि आज सैटरडे हम ही सोने दें, आज संडे हम ही सोने दें, अभी छुट्टियां हम ही सोने दें, यानी हर चीज़ में वो दाव लगाता है। और टॉपर बच्चा कभी दाव नहीं लगाता। अगला एक बहुत बड़ा इशू, अगर ये जो बच्चे टॉप नहीं करते, आम एवरेज बच्चे या अबव एवरेज बच्चे, अगर इनके पेरेंट्स से बात की जाए तो वो पता क्या कहते हैं, मेरा बच्चा टारगेट बनाता ही नहीं है। भाई नहीं बनाता, अब वो बनाएगा, सिर्फ चंद बातें उसको समझाने की ज़रूरत है। उसको समझाना ये कि देखे बेटा, दुनिया में अरबों इंसान अब तक आ चुके हैं, हमें किसी को नहीं पता, सिर्फ उसी का नाम जिंदा है किताबों में, टीवी पे, हिस्ट्री में, जिसने कोई अचीवमेंट की। अगर आप कोई अचीवमेंट करोगे आपका नाम जिंदा रहेगा, और अगर अचीवमेंट नहीं की तो अरबों इंसानों की तरह आप भी ख़त्म हो जाओगे, आपका नाम मिट जाएगा। उसको समझाएं कि देखे बेटा, आसमान सितारों से भरा हुआ है, पर मिसाल उसकी दी जाती है जो बहुत चमकता है, यानी चांद की मिसाल दी जाती है, क्योंकि चांद चमकता है तो आप भी चमको। उसको बताएं कि मरे कॉलेज सियालकोट, वहाँ पे अब तक लाखों बच्चों ने तालीम हासिल की है, लेकिन सिर्फ नाम उसकी वजह से मशहूर हुआ जो दुनिया में चमका, यानी अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। एक बच्चे ने स्कूल का नाम अमर कर दिया, तो बेटा आप भी ऐसे बनो। उसको बताएं कि देखो बेटा, एक स्टेडियम है लाखों लोगों से भरा हुआ है, पर कैमरे फोकस उसको करता है जो मैन ऑफ द मैच है, जिसकी वजह से टीम मैच विन करती है, जो चौके छक्के लगाता है, जो गोल करता है। आप उसको समझाओ कि देखो बेटा, मैदान अरफात में लाखों का मजमा है, पर कैमरा सिर्फ इमाम काबा को दिखा रहा होता है मोस्टली, तो आपने ऐसे चमकना है। उसको बताएं कि पुलिस में लाखों सिपाही हैं, पर टीवी पे सिर्फ आईजी आता है, जो पूरे सूबे का सबसे बड़ा अफसर होता है। उसको बताएं कि फौज में लाखों फौजी हैं, लेकिन मीडिया सिर्फ चीफ की सरगर्मियों को दिखा रहा होता है। पाकिस्तान में बड़े से बड़ा अफसर है, लेकिन जो सबसे बड़ा अफसर होगा टीवी सिर्फ उसको दिखाएगा, वो छींक भी मारेगा तो वो आम हो जाएगी। और इस तरह फैक्ट्री में हजारों वर्कर काम कर रहे होते हैं, लेकिन वो जो मैन ऑफ द ईयर होता है ना, उसी को फैक्ट्री जब वो नोटिस पे लाती है, उसी को इनाम देती है, उसी को स्टेज पे बुलाती है। तो बेटा ये आपकी लाइफ है, इसको आप चाहे बहुत ऐसे चमका लो या बिगाड़ लो, ये आपका काम है। अगला इशू, अच्छा अब तो अगर ये बात हम उसको बताएंगे उसका जहन बन जाएगा, कि जहन एक दफा बन गया, लेकिन इशू यह है कि बेटा, वो पेरेंट्स कहते हैं कि 2-3 दिन बाद उसका जोश रहता है, फिर जोश खत्म हो जाता है, तो इसका क्या करें मसला? इसका भी मसला बता रहा हूँ, हल बता रहा हूँ, कि अगर बच्चों में 2-3 दिन का जज्बा पैदा होता है फिर ख़त्म हो जाता है। 1, आप उसकी टू डू डेली लिस्ट बना लें, और सिर्फ 5 मिनट रोज़ आप उसकी रिपोर्ट ले लें कि आज बेटा ये डेली लिस्ट थी, इस पर आपने क्या कर लिया क्या नहीं कर लिया, जो किया मुझे चेक करा दो और अगली लिस्ट बना लो। 2, आप उससे टारगेट बनवाएं, और टारगेट कैसे बनाएंगे, पहले टेस्ट में आपने मिनिमम 75% लेने हैं, फिर उसके बाद दूसरे में आपने 80% लेने हैं,
तीसरे में 85% लेने हैं, चौथे में 90% लेने हैं, फिर 95 लेने हैं, ऐसे बढ़ाते जाएं। और साथ साथ आप अपनी प्लानिंग भी चेंज करते जाएंगे, क्योंकि जाहिर अगर आपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो आपको अपनी प्लानिंग में कुछ चेंजेस लानी पड़ेगी। वो या आपने उसका सक्सेस ग्राफ बनवाना है और रोज उसको दिखा दिया टेस्ट के बाद, बेटा आप ऊपर जा रहे हो या नीचे जा रहे हो, और अगर नीचे जा रहे हो तो क्यों, और अगर ऊपर जा रहे हो तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया बेटा जबरदस्त, आपको कौन सी स्पीड चाहिए। हर टेस्ट के बाद अपनी प्लानिंग तब्दील करते रहें, और कैसे जो अगर इंप्रूवमेंट नहीं हो रही तो इंप्रूवमेंट हो रही है तो पता है कैसे हो रही है, उसी को वो बेहतर से बेहतर करते जाए। और कोशिश करें कि आए दिन वीकली या फोर्टनाइटली उसको कोई मोटिवेशनल स्पीच सुनाते जाएं, ताकि उसका जज्बा किसी को डाउन ना होने जाए। और जब वो 95% मार्क्स गेन कर ले एक दफा, तो उसके बाद उसकी काउंटिंग चेंज कर दे। कैसे, उसको बताए बेटा अब आज से आपकी काउंटिंग यह कि आपके मार्क्स 95% से स्टार्ट हो रहे हैं, और टोटल आपकी गिनती में 6 लफ्ज है, 6 नंबर हैं, 95, 96, 97, 98, 99, 100, बस 95 से नीचे उसको बताए अंधेरा ही अंधेरा है, जीरो ही जीरो है, बस इस तरीके से आप उसको लेके चलो। अगला इशू ये है कि बच्चे कंसंट्रेट ही नहीं कर पाते। बास पेरेंट्स कहते हैं मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा पढ़ता है लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते। देखिए उसकी वजह उसका यह है कि फोकस ठीक नहीं है। जैसे हम कैमरे को फोकस ना करें और हम तस्वीर ले लें तो बहुत जो डिम सी आएगी, ठीक है ना, वो क्लियर नहीं होगी, वाजे नहीं होगी। तो उसका तरीका क्या है, इसका भी एक वे है जो हमें यूज़ करना चाहिए। देखिए सुन लें, नंबर वन, आप बच्चे का पहले एक स्टडी जोन बनाएंगे। स्टडी जोन में वहाँ पे टीवी, मोबाइल, रिसाले वगैरह बिल्कुल नहीं हो। उसका टेम्परेचर भी बहुत नॉर्मल होना चाहिए, जो बेहतरीन हो, और रोशनी भी वहाँ पे अच्छी हो। और अब बच्चे को बताया कि बेटा लिखने का काम आपने बैठ कर करना है और याद करने का काम आपने चल फिर के करना है। इस तरह वाक भी हो जाएगी, पढ़ाई भी हो जाएगी, नींद भी नहीं आएगी। तीसरा, लगातार एक जैसा काम नहीं करना, मतलब पहले आप कुछ टाइम लिखते हैं फिर उसके बाद याद करना शुरू कर दें, फिर कुछ टाइम लिखे फिर याद करना शुरू कर, इसका फायदा होगा कि बोर नहीं होंगे। और रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, सिर्फ कंसेप्चुअल स्टडी, सिर्फ कंसेप्ट अपनी अच्छी तरह समझ समझ के पढ़ना है। जब तक कोई चीज़ समझ ना ले आगे नहीं चलना। अब उसका तरीका ये है कि अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चे को कंसेप्ट क्लियर हो जाए और शॉर्ट टर्म मेमोरी कन्वर्ट हो जाए लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो उसके दो तीन तरीके हैं। नंबर वन, हर टॉपिक को बच्चा अपनी ज़ुबान में दोहराए। अगर वह उर्दू स्पीकिंग है तो उर्दू में दोहराए, पश्तो है तो पश्तो में। उसका फ़ायदा ये होगा उसको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो कभी नहीं भूलेगा। नंबर टू, वो अपने एक स्टडी ग्रुप बना ले। स्टडी ग्रुप जरूरी नहीं है कि चार बंदे का, स्टडी ग्रुप दो का भी हो सकता है। जो वो पढ़ता है ना रोज़ का रोज़, वो अपने साथी को पढ़ा दे। जैसे टीचर जो चीज़ पढ़ाते हैं उनको कभी नहीं भूलती, बच्चा जो चीज़ पढ़ा देगा उसको कभी नहीं भूलेगी। और अगर जिसको पढ़ा रहा है अगर वो बच्चा को पहले ही आता है तो ज़्यादा फायदा, क्योंकि जो बच्चे को पहले ही आता है और वो लाइव बच्चा है, ये जब उसको पढ़ाएगा वो बच्चा इससे कई तरह के क्वेश्चन करेगा, इसके कंसेप्ट और बेहतर हो जाएंगे। एक और इशू ये आता है कि जी बच्चे की मेमोरी बहुत वीक है, उसको कैसे करें। देखिए इसके तीन तरीके हैं। नंबर वन, एक तो ये बच्चा मैक्सिमम मुकाबलों में हिस्सा ले। किस में? पजल का कंपटीशन होता है, क्विज का कंपटीशन होता है, और स्पीच का कंपटीशन होता है। इन तीन में ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा ले। नंबर टू, बेकरी अशिया बिल्कुल ना खाए, इससे जो मेमोरी है वो डाउन हो जाती है। जैसे बिस्किट है, पिज़्ज़ा है और वगैरह वगैरह, ठीक है, केक है। ड्राई फ्रूट ज़्यादा शुरू करें। नमाज ज़्यादा पढ़े, पूरे पढ़े, क्योंकि नमाज में जब सजदा करता है ना तो सारा का सारा खून दिमाग में जमा होता है और इंसान की मेमोरी तेज़ होती है। अच्छा, यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी ज़रूर सुन लें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, कि जिससे हाफ़ज़ा बहुत तेज़ हो जाएगा। ऐसे तक एक लड़का का नाम है, ये सच्ची कहानी है, अनवर उसका नाम था। अच्छा, बचपन में वो गिरा है, उसके सर पे चोट लगी, उसकी मेमोरी बहुत लूज़ कर गया वो, उसको याद नहीं होता था। बहुत मेहनत करता, सबसे ज़्यादा क्लास में पढ़ता, और उसके तकरीबन 40% की लाइन में सब मार्क्स आते थे। बड़ी मुश्किल से उसने आखिर मैट्रिक कर लिया। एक दिन वो अपने एक दोस्त आदिल के घर गया। उसने आदिल के अब्बू उसके साथ बैठे गपशप लगा रहे थे, इसने अपनी मसला उसको बता दिया उनके अब्बू को। उसके अब्बू ने कहा बेटा मेरे साथ आओ। उसको ना अपनी लाइब्रेरी में ले गए। उसको कहा अनवर एक काम करना है, आपने हर हफ्ते एक बुक ख़त्म करनी है हर हफ्ते, और उसकी स्टोरी आपने मुझे हफ्ते बाद सुना देनी है। तो कहने लगा मेरी तो जो रीडिंग है बहुत कमज़ोर। उसने कहा आप छोटी छोटी बुक शुरू कर लो ना, ये जो 30-40 रुपये की आती है शुरू कर लो, बस आप इससे शुरू करो।
उसने सुनाना शुरू कर दिया, हर हफ्ते एक बुक खत्म करता सुनाता, ऐसे ऐसे उसको ना समझ आएगी कि मैं तेज पढ़ सकता हूँ। होता 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 आखिर उस बच्चे ने, उसकी मेमोरी भी बहुत नॉर्मल हो गई, उस बच्चे ने एमए कर लिया, आगे एमफिल किया, सीएसएस किया, और आजकल वो किसी इदारे का एक सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी है, बहुत हाई फाई होते पर है वो। और देखो उसकी मेमोरी कैसे तेज हो गई, सिर्फ उसको ये कि ट्रिक इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये भी यही होता है कि आप जितनी ज़्यादा स्टडी करेंगे आपकी मेमोरी बढ़ती जाएगी। यहाँ पे आपको एक मैं टाइम टेबल भी दे दूँ पढ़ने का। टाइम टेबल में ये कि आपने स्कूल से आके ना थोड़ा सा खाना वाना खाया, नमाज पढ़ी, 3 से 4 बजे आपने मैथ करना है, फिर 4 से 5 साइंस करनी है, 5 से 7 2 घंटे आपने गेम खेलनी है, एक्सरसाइज, गेम, वॉक, रनिंग, जो भी करें, 7 से 8 हिस्ट्री ज्योग्राफी करें, 8 से 9 इस्लामियात, उर्दू, इंग्लिश वगैरह जो आपका काम है वो करें, फिर 9 से 10 फिर रेस्ट, नमाज, खाना, लेकिन 10 से 11 अब आपने वो काम करना है जो आपका रह गया था, या आपको लर्न करना है, मेमोराइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, कोई चीज़ टेस्ट तैयार करना, आप इसमें वो काम करें। और सुबह आपने स्कूल आने से पहले 1 घंटा वो तमाम जो स्कूल में टेस्ट होंगे उसको रिविजन उसकी करनी है, ये एक तरीका होता है। अच्छा, पढ़ने में याद रखें कि रोज आपने जो पढ़ना है ना, आप उसकी जो अहम इन्फॉर्मेशन है, मतलब उसमें नेम्स गिवन है, उसमें डेट्स गिवन है, उसमें अहम इन्फॉर्मेशन है, ये जो याद करने वाली चीज़ें हैं ये आप पेजेस पे लिखते जाएं, एक फाइल बना लिया, पेजेस पे लिखें, अब वो पेजेस पे जो अहम अहम चीज़ें वो लिखते जाएंगे, ये पेजेस अच्छे खासे आपके बन जाएंगे। फिर आपने वीकली उन पेजेस को पढ़ पढ़ के याद करते जाएं, जो आप समझते थे बिल्कुल याद होगा उन पेजेस को निकाल दें। यही वे मैं इख्तियार करता था जब मैं स्टूडेंट था, तो यकीन करें सारा साल इस तरीके का मैंने इख्तियार करना, और एग्ज़ाम में जब सुबह में एग्ज़ाम के लिए जाता था तो मेरे पास सिर्फ एक चिट होती थी, बस इतना मैंने कर करके वो पेज याद कर करके ख़त्म होते गए, उसको टीयर ऑफ कर दिया। स्टडी में याद रखें कि आपके 3 वे बनेंगे, डेली स्टडी करना, फिर जितना आपने रोज़ पढ़ा होता है वो वीकली आपने उसको फिर रिवाइज करना, और एक मंथ में जितना आपने वीकली रिवाइज किया वो मंथली फिर आपने उसको रिवाइज करना। और इसमें एक बात याद रखने कि इम्तिहान से 3 माह पहले अपनी लाइफ पर कर्फ्यू लगा दें, खाम खाब किसी के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, बल्कि आपका फोकस एग्जाम्स होंगे, लेकिन जितना मर्जी फोकस कर रहे हैं वो जो 2 घंटे मैंने गेम्स के रखे हैं, वॉक के रखे हैं, रनिंग के रखे हैं, वो आपके वही के वही रहेंगे, उसको आपने ख़त्म नहीं होने। आखिर में मैं इस पे आ रहा हूँ कि पेपर कैसे अटैम्प्ट करना है, ये भी एक कमाल होता है। देखें, एक तो अपनी हैंड राइटिंग पर बहुत फोकस करें, नीट क्लीन पेपर अटैम्प्ट करना, इसका बहुत अच्छा इमेज जाता है, इंप्रेशन पड़ता है पेपर चेक करके। राइटिंग स्पीड को फोकस करें, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जी स्पीड स्लो है, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन रह जाता है, और जब आपने कोई क्वेश्चन लिखना शुरू करना है ना, तो आप उससे पहले तमाम आपकी जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपके आइडियाज़ हैं, उसको इन ऑर्डर कर लें, अपने ध्यान में सोच के तरतीब दे लें, ताकि फिर बीच में कटिंग ना हो। हर सवाल के लिए वक्त फिक्स करें, ताकि मुकर्रर वक्त से पहले पेपर कंप्लीट हो जाए, कोई क्वेश्चन छूट ना जाए, और ये सारा पेपर आपका 10 मिनट्स बिफोर द फाइनल टाइम आपका ख़त्म होना चाहिए, और लास्ट 10 मिनट्स आप अच्छी तरह रीरीड कर लें सारा, जो अहम इन्फॉर्मेशन उसको बोल्ड करें, खाम खा एक्स्ट्रा क्वेश्चन ना करें जहाँ पे जरूरत नहीं है, जो किया हुआ है उसी को बेहतर करें, अच्छी हैंडराइटिंग से लिखें, और आपने हर क्वेश्चन में कम अज़ कम 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे दिया करें जो बुक में कम अज़ कम गिवन ना हो, उससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। ये उस वक्त करते हैं जब आप तैयारी कर रहे होते हैं ना, बुक में पढ़ रहे होते हैं क्वेश्चन, तो साथ साथ आपने इंटरनेट से हर टॉपिक पर 2 एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेके बुक के ऊपर ही साथ जो ना आप स्टिकी मटेरियल के तौर पर उसको आप लगा लें, साथ लिख लें। अच्छा, मैथ की आपने रिटन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि उसी में फिर चांस ये होता है कि आप बार बार कटिंग करेंगे, और लॉन्ग क्वेश्चन को बेहतर है कि आप उसको मैक्सिमम हेडिंग बनाकर लिखें, हेडिंग बनाकर याद करें, हेडिंग बनाकर लिखें, आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा। और आखिरी देने लगा हूँ टिप कि देखिए, बच्चे से आप ये कहें कि बेटा आप टॉप करना चाहते हो, सारा बच्चा कहेगा मैं करना चाहता हूँ, बताएं कि आज आप सबको बता दें, अपने तमाम रिलेटिव्स को, फ्रेंड्स को बताएं कि मैंने टॉप करना है, उसको आपने ये बता देना कि बेटा दुनिया आपकी अचीवमेंट को याद रखेगी, तो इसलिए अपनी अचीवमेंट करनी है। और उसको ये भी बता दें कि ज़िंदगी मैराथन रेस नहीं है, 100 मीटर रेस है, आपको बड़ी तेज़ी से आपको काम करना है, और आपने ये सोचना कि
फर्स्ट आना मेरा राइट है और मैं अपना हक छीन के रहूंगा। तो जब वो तमाम अपने ग्रुप्स में, अपने रिलेटिव्स में जब अनाउंसमेंट कर देगा, फिर जब उसको ये सारी प्लानिंग देंगे, उसको पता होगा कि अब मैं सबको बता चुका हूँ, मैं सबको अल्फाज दे चुका हूँ, अब मैंने करना ही करना। वो इस सबको फोकस करके करेगा, मेहनत करेगा, एफर्ट करेगा और बहुत ऊंचा इंशाल्लाह जाएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।